ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार। मुश्किलों और संघर्षों के बीच आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि चुनौतियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि हम इससे पार नहीं पा सकते हैं। ऐसे में खुद पर भरोसा, दृढ़ निश्चय के साथ सकारात्मक सोच के जरिए लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहने से मंजिल मिल ही जाती है। कोरोना के संक्रमण काल में भी हम में से बहुत सारे लोग निराशा और हताशा में फंस गए। उन्हें भविष्य का उजाला नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे में संयम, संकल्प और समर्पण ही काम आया। अब जब भारत ने कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में 100 करोड़ डोज का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है तो एक उम्मीद जगती है। उम्मीद बेहतर कल की, उम्मीद संभावनाओं से भरे आकाश की। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आज कई अखबारों में ये खबर आई और कई मीडिया चैनल्स के माध्यम से पता चला कि भारत के कई राज्यों में डेल्टा के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। जैसे ही ये खबर प्रकाशित हुई या टेलीविजन चैनलों पर दिखाई गई, बहुत सारे देशवासियों के जहन में एक नया सवाल उभर कर आया कि क्या ये डेल्टा का नया वेरिएंट दूसरी लहर की तरह खतरनाक होगा, क्या इसे तीसरी लहर बहुत जल्द आ जाएगी। इन शंकाओं के समाधान के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हमने पहले कई बार बात की है कि ये जो वायरस है ये जितना रेप्लिकेट करेगा इसमें म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, और अगर ये रेप्लिकेट नहीं करेगा तो म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी कम होते जाती है। सिंस एक ये वैश्विक महामारी है, अगर हमारे देश में अगर कंट्रोल में है तो विश्व के अलग अलग कई देशों में अभी केसेस उतने ही ज्यादा हैं जहां पे वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में वायरस के जो नए वेरिएंट्स हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। और जो अभी फिलहाल हम AY4.2 की बात कर रहे हैं, जो डेल्टा वायरस जो अभी हमारे पिछले वेव में जो सबसे सक्रिय वायरस था उसका एक लीनेज हम मान रहे हैं, उसी का एक अगला मान रहे हैं कि उसी में जो बदलाव आया है, लेकिन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अभी कितना है अभी ये समय के साथ ही पता चलेगा। और जो ये ज्यादा खतरनाक होगा, कम खतरनाक होगा या सिमिलर रहेगा ये बताना अभी मुश्किल है। ये हमने जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो 100 करोड़ से ज्यादा डोजेज लोगों को लगवा चुके हैं, प्लस जो पहले इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ है उसके चलते जो प्रोटेक्शन मिला है उसको क्या ये बाईपास कर पाएगा, ये सारे क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड हैं। तो इस तरह के वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आते रहेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है जो हम बार बार एक्सपर्ट्स आपके प्रोग्राम के माध्यम से और वेरियस चैनल्स के माध्यम से हम कहते हैं जी कि सावधानी बहुत जरूरी है। इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं, जब तक ये महामारी किसी भी कोने में दुनिया में चल रही है हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा। और डेफिनेटली जो भी न्यूज आती है उसको लेकर हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये कहना इसके बाद थर्ड वेव आ जाएगी मैं अभी नहीं मानता, एज लॉन्ग एज हम सतर्कता मेंटेन रखें, जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाए वो वैक्सीनेट करवा लें तो शायद हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं और नहीं आने दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली के सिरो सर्वे के जो ताजा नतीजे हैं वो ये बयां करते हैं कि 97% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है? देखिए, ये जो वायरस है 2 साल पुराना है लेकिन अभी तक हमारे लिए एक मैं कहूंगा एनिग्मा है, अभी तक इसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जैसे आपने कहा एक नया वेरिएंट के बारे में एक कंसर्न लोग दिखा रहे हैं जी, तो हर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली जो सीरो सर्वे में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 97% लोगों में एंटीबॉडी आ चुकी है, एक अच्छा न्यूज है।
लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर हम लापरवाही न करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे अभी बात हम कर रहे थे कि वेरिएंट्स हो सकता है इन एंटीबॉडी को भी भेजने में सक्षम रहे। इसलिए जब तक हम पूरी तरह से या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बना लेते या पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में अपने जो सावधानियां जो अभी तक हम बरत रहे हैं उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। राजधानी दिल्ली की ही अगर बात को आगे बढ़ाएं डॉक्टर साहब, तो राज्य सरकार का यह निर्णय है कि 1 नवंबर से दिल्ली में विद्यालय खुल रहे हैं। बहुत लंबे समय से दिल्ली में विद्यालय बंद हैं, खासकर पहली से दसवीं कक्षा की बात की जाए तो। ऐसे में अब दो सवाल हैं, एक अभिभावकों के जहन में प्रश्न है कि हमारा बच्चा कितना सुरक्षित है स्कूल जाने में, दूसरी तरफ बच्चे ये सोच रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पहली से छठी क्लास के बच्चे हैं, उनके जहन में ये सवाल उभर रहा है कि इतनी देर तक मास्क पहनना कैसे संभव होगा, कैसे मैं पेंसिल पकड़ूंगा या पेन पकड़ूंगा, उसके बाद अगर कहीं मैंने अपने हाथ से नाक या मुंह को छू दिया तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। इन शंकाओं के बीच आप क्या सुझाव देंगे कि किन सावधानियों को बरतकर बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं और अभिभावक कुछ हद तक निश्चिंत भी हो सकते हैं? देखिए, ये जो है मैं कहूंगा इस पैंडेमिक का एक जो सबसे बड़ा कोलेट्रल डैमेज हुआ है वो हमारे बच्चों के जो पढ़ाई से रिलेटेड, जो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो स्कूल के माहौल में ही हो सकता है, उसमें बच्चे 2 साल एक तरह से पीछे हो चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि ये स्कूल खुलना अभी के सिचुएशन में जब चीजें कंट्रोल में दिख रही है, जो एडल्ट पॉपुलेशन काफी हद तक वैक्सीनेट हो चुका है, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि स्कूल खुले। बट एट द सेम टाइम जो आपने जो कंसर्न उठाए जो पेरेंट्स के मन में है, तो मैं पेरेंट्स से यही कहूंगा कि देखिए, बच्चे सिर्फ स्कूल में ही असुरक्षित है ऐसा मानना गलत है। अगर आप जनरली बात करें तो बच्चे स्कूल के अलावा हर जगह जा रहे हैं, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो पिकनिक पे जाना हो, ट्रिप पे जाना हो, दोस्तों के साथ पार्क में खेलना हो, कॉलोनी में घूमना हो, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये सोचना कि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो असुरक्षित हो जाएंगे, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इनफैक्ट बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो उनके जो बाकी जो एडवांटेजेस हैं वो सामने आएगी, और इसमें अभिभावकों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर उनके घर में कोई बीमार है, उनका बच्चा बीमार है, तो प्लीज उनको घर पे ही रखे, स्कूल ना भेजे, जिससे बाकियों को खतरा हो। और जो स्कूल्स में एक तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन का एक हाइब्रिड तरीका ही चलाने का एक तरह से फैसला लिया है, तो अपने आप में वो एक डिटरेंट रहेगा कि कोई बीमार बच्चे को कोई जबरदस्ती स्कूल ना भेजे। बच्चे जो हैं बहुत ही प्लायबल होते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जो बताया जाता है वो कर लेते हैं। हम शुरू में जब मास्क पहनना था तो हमारे अंदर हेजिटेंसी थी, हम मास्क नहीं पहनना चाहते थे, लेकिन बच्चे जो हैं, जो भी उनके क्लास टीचर बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो फॉलो करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। तो मुझे नहीं लगता बच्चों में कोई ऐसी हेजिटेंसी आएगी कि अगर स्कूल में कहा जाए मास्क पहनो तो वो नहीं पहनेंगे। और अगर बीमार बच्चे स्कूल में अगर पेरेंट्स न भेजे तो एक सुरक्षित माहौल दिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल खोलने का ये सही समय है, कॉशन के साथ। केसेज अगर बढ़े तो स्कूल बंद करने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए, बट अभी आई थिंक स्कूल खोलने का जो डिसीजन है बहुत ही सही है और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीरज, यहां एक और बात सामने आती है कि लंबे समय तक जब बच्चे अपने घरों में हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और जब उनको स्कूल जाने का मौका मिलेगा, अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, तो एक ढंग से उन्हें आजादी मिल जाएगी। जो खासकर छोटे बच्चे हैं वो अभी से ही प्लान कर रहे होंगे कि जब स्कूल जाएंगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे, तो वो एक जगह इकट्ठा होंगे, इन बच्चों को आप क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली ये जैसे मैंने कहा कि अभिभावक और शिक्षक बच्चों को स्कूल में जाने से पहले एक तरह से जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पहले से एक मेंटली तैयार करें कि जो स्कूल में आ रहे हैं, एक इतने दिन के बाद उनको एक आजादी मिल रही है स्कूल में आने का, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है और क्यों ऐसा जरूरी है। अगर बच्चों के मन में ये आ जाए कि ठीक है अगर केसेस बढ़े तो स्कूल फिर से बंद हो जाएगा अगर उनकी लापरवाही या वो रूल्स अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो आई एम श्योर बच्चे अब इतने समझदार हो गए कि इन सब चीजों को समझ सकते हैं जो 2 साल से वो घर में बंद है। तो इस तरह से एक मैं कहूंगा कि एक कलेक्टिव एफर्ट से इस जो प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं, और जैसे जैसे स्कूल्स खुलेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका समय के साथ निवारण करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो रियल टाइम सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी।
एक परफेक्ट तरीका तो बिल्कुल नहीं हो सकता है इस पैंडेमिक के समय, हम सभी ने देख लिया है। तो कोई एक आइडियल समय स्कूल खोलने का नहीं हो सकता है, हमें रियल टाइम में रियल डिसीजन लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि कैसा सिचुएशन है, केसेस के नंबर्स क्या है, क्या परेशानियां आ रही हैं, समय के साथ हमें उनसे निपटना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी सर। सर अपने देश में अभी 100 करोड़ के ऊपर जो टीका तो लग चुका है सर, अभी जो 15-20 के आसपास जो आंकड़े आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड केसेस सर, अभी जो दिवाली का वगैरह जो त्योहारों का मौसम है सर, मार्केटों में बहुत सारी भीड़ भी है, तो ये कोविड एप्रियर बिहेवियर का पालन तो करते हुए लोग बहुत कम दिखते हैं, अपना ये जो मास्क वगैरह तो बहुत कम लोग पहनते हैं सर। अभी ये जो 15-20 हजार आ रहे हैं सर, क्या ये अपने जो वैक्सीन जो 100 करोड़ के ऊपर हो गए सर, इसका इम्पैक्ट है क्या? मतलब जिसको वायरस ये इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो अंदर जाने के बाद क्या कोविड निष्क्रिय हो जाता है सर? दो प्रश्न हैं इसमें। पहला, इनकी जो चिंता है वो ये है कि जो बाजारों में भीड़ है दिवाली धनतेरस को लेकर, क्या उससे मामले दोबारा बढ़ेंगे क्योंकि वहां कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और दूसरा ये जानना चाहते हैं डॉक्टर नीरज कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, अगर कोरोना का वायरस उनके शरीर में जाता है तो क्या वो निष्क्रिय हो जाता है, क्या वो संक्रमित करता है? बिल्कुल, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मैं यही दूंगा कि जो त्योहारों का सीजन होता है वो खुशियां बांटने के लिए होता है, बीमारी बिल्कुल नहीं बांटे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप बीमार हैं, आप में कोई भी सिम्टम है, अपने आप को आइसोलेट करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल न जाएं। और जो लोग बाहर जा रहे हैं जो अपेरेंटली ठीक है, वो कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही केसेस को बढ़ने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। इसलिए जो भी दिवाली और जो जो नॉर्दर्न इंडिया में जो छठ पूजा का सीजन आ रहा है उसमें लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बहुत ही सभी पे भारी पड़ सकती है। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन का जो के बारे में जो इन्होंने बात की है, वैक्सीन का जो प्राइमरी रोल है कि अगर आप इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो ये वैक्सीन इंश्योर करेगा कि आप में ये बीमारी के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, और अगर बाई चांस बीमार होते हैं यानी सिम्टम्स आते भी हैं तो कोई ये जानलेवा सिम्टम्स ना हो, आपको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, आपको जो है आईसीयू की जरूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, आपकी जान ना जाए। तो वैक्सीन का काम यही है कि वैक्सीन आपके शरीर में एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बनाकर रखता है ताकि ये वायरस अगर आपके शरीर में एंटर करे तो जैसे इन्होंने कहा कि इस वायरस को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, मार सकता है, उसको फैलने से रोकने में मदद करेगा आपके शरीर में। लेकिन कई बार ये आपके जो इन्फेक्शन जो आप इन्फेक्ट होते हैं, भले आप बीमार नहीं हुए लेकिन ये इन्फेक्शन आप दूसरों को फिर भी दे सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी अगर वैक्सीनेटेड भी हैं तो जो सोशल वैक्सीनेशन यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन आप करते रहें, तभी आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और आपके चलते किसी और को इन्फेक्शन ना हो, ये भी आप इंश्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अधिक से अधिक श्रोता को भाग लेने का मौका देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्ते। हमें बहुत डर लगता है आजकल, देखते हैं कि लोग दुकानों में जो मैं एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट में रहता हूँ, यहाँ दुकानदार साले तो बहुत डरते थे जो सरकार की पुलिस थी उनकी सेफ्टी के लिए वहां चलान हो जाएगा, पर अब ये लोग बिल्कुल नहीं डरते और हमें उनसे डर लगता है कि वो बिना मास्क के बैठते हैं, ग्राहक भी आ रहा है बिना मास्क किया जा रहा है, तो ऐसे में ये सरकार की तरफ से क्या नरमी होती जा रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अभी कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ उपाय कुछ उठाए जा रहे हैं कि? धन्यवाद। धर्मवीर जी, जो प्रमाण पत्र की कमी के कारण जो लोग टीका नहीं लगवा पा रहे हैं उनके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही हैं, उन व्यक्तियों तक भी पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनको टीकाकरण केंद्र तक लाया जा रहा है।
और उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है। इसलिए जिन भी व्यक्तियों के पास प्रमाण पत्र नहीं है वो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं, वहां पर जो स्वयंसेवक हैं, वहां पर जो तैनात अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करें, वो आपको रास्ता बताएंगे। इनका जो पहला सवाल है डॉक्टर नीरज, कि जो दुकानदार हैं बाजार में, वो पहले डरते थे, मास्क लगाते थे, अपने यहां आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाने की हिदायत देते थे, लेकिन अब वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं, अब वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, और ऐसे में अब ग्राहकों को चिंता हो गई है कि वो दुकानदार से कहीं संक्रमित तो न हो जाएं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसा कोई दुकानदार है, हमें दुकानों की कमी नहीं है, अगर आप उस दुकान को बॉयकॉट करना शुरू कर दे तो अपने आप वो दुकानदार कोविड नियमों का पालन शुरू कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अदर वे राउंड ज्यादा है, जब दुकानदार कोशिश करता है कि उनके ग्राहक कोविड नियमों का पालन करे तो वो फिर लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। तो मैं जो आपके पहले भी एक्सपर्ट बार बार यही दोहराते रहते हैं कि भाई अभी जो परेशानी है, जो डेंजर है, अभी कहीं नहीं गया। ये वायरस अभी भी हमारे सोसाइटी में भले अभी कमजोर अवस्था में दिख रहा है, लेकिन किसी भी दिन ये वापस से मजबूत होकर हमें परेशान कर सकता है। सेकेंड वेव अगर आप देखें तो शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट न हुआ हो जिसको लेकर आज तक वो दुखी है। तो फिर से हम वापस वैसा सिचुएशन नहीं करना चाहेंगे, इसलिए जरूरी है कि जन आंदोलन की तरह होना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते। ये कोई एक इनविजिबल दुश्मन के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। अगर बताया गया है कि आपको कोविड नियमों का पालन करना है, बहुत सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवाइए, जब ये दो हथियार हमारे पास हैं तो हमें किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी को अपने अंदर से ही आवाज लानी पड़ेगी कि भाई अगर सुरक्षित रहना है तो सिर्फ किसी और की वजह से हम इन्फेक्ट हो या हमारी वजह से कोई और इन्फेक्ट हो, ऐसा नहीं होने देना है। और उसका सबसे सरल तरीका यही है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जी बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये मालूम करना चाह रहा जी, आजकल बुखारों का बहुत जोर चल रहा है, छोटे बच्चों को भी बहुत तेज बुखार आ रहा है, अब ये बताओ उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? डॉक्टर नीरज, इनका प्रश्न जो है वो बहुत ही व्यावहारिक है। इस समय डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, वायरल फीवर के भी मरीज देखने को मिल रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को जो तेज बुखार आ रहा है उससे कैसे बचा जाए, और कहीं उसका संबंध कोरोना से तो नहीं है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल इस सीजन होता है जब बारिश का मौसम खत्म हो रहा होता है और जाड़े का मौसम शुरू होता है, तो ऐसे में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, जो मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जो आपका उसके अलावा जो वाटर बॉर्न डिजीज है जैसे टाइफॉइड है, और बहुत से नॉन स्पेसिफिक ऐसे एंसेफेलाइटिस होते हैं जो कि इस सीजन में देखे जा सकते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने आस पास जो है सफाई इंश्योर करें, मच्छरों को नहीं पनपने दें, रात को मच्छरदानी के अंदर ही सोए, या फिर कॉयल्स वगैरह यूज करें जिससे मच्छर आपके घर में ना हो, जहां तक पॉसिबल हो बच्चों को पूरे बाजू का पैंट शर्ट पहनाने की कोशिश करें ताकि उनका शरीर मैक्सिमम ढका रहे। पानी जो है वो साफ सुथरा पिए, अगर आपके पास साफ सुथरा पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट उन्हें बॉयल करके पिए। तो इन सब सावधानियों से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे जरूरी मैं कहूंगा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसका इलाज आप खुद से न करें, हमेशा एक डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि इस बच्चे के लिए क्या बेहतर है, इससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। गुरुग्राम से भीम सिंह जी जुड़ गए हैं। भीम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए भीम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी सर, मैं ये पूछना था, मेरी उम्र है 46 साल जी, और मैं आपको बताई दो वैक्सीन लगवानी है सर, मेरे को 15-20 साल पहले एक टीका एक्शन किया था जी, तो मेरे को वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? इनकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। जी, ये नेत्रहीन हैं और इनको 15 से 20 वर्ष पहले किसी चीज से एलर्जी हुई थी, समस्या हुई थी, अब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोविड वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं?
एक्चुअली ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये कौन सी चीज थी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट जो वैक्सीन है अगर वो किसी दवाई या किसी और चीज से एलर्जी की हिस्ट्री नहीं है तो बहुत अनलाइकली है कि इस वैक्सीन के चलते उन्हें कोई दिक्कत होगी, बट फिर भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर अपनी हिस्ट्री को वैक्सीनेशन पे जो सेंटर पे जो डॉक्टर स्टाफ हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है इन्हें कुछ ज्यादा देर ऑब्जर्व करने के लिए अपने पास रखा जाए, बट नॉर्मली जो है मैक्सिमम जो चीजें हैं उनकी एलर्जी से इस वैक्सीन की एलर्जी का कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, अगर कोई किसी को हर चीज से एलर्जी हो जाती है या बहुत ही ऐसी ज्यादा चीजें हैं जिससे किसी को एलर्जी हो रही है, ऐसे लोगों को थोड़ी सावधान रहनी चाहिए, लेकिन किसी एक चीज से इनको कोई 15 साल पहले एलर्जी हुई तो इसके चलते वैक्सीनेशन नहीं ले सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है, बट इस हिस्ट्री को जरूर अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे वो शेयर करें। कार्यक्रम में अगले कॉलर लोनी से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार। सर मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला का जी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ जो डायबिटीज के पेशेंट है जो डेली दोनों टाइम इंसुलिन लेते हैं वो वैक्सीन किस तरीके से लगवाएं, थोड़ा बताएं। क्या मधुमेह के रोगी जो सुबह शाम इंसुलिन ले रहे हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं, सुरक्षित है? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों में इस वैक्सीन का सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि हमें पता है कि जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, किसी भी रीजन से इम्यूनो सप्रेसिव स्टेट होता है, जैसे डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे में इन्फेक्शन होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है। और इंसुलिन लगाते हैं तो इससे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें फटाफट अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा लेना चाहिए ताकि वो खुद को सुरक्षित कर सके। सुल्तानपुर से अर्जुन तिवारी जी जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। और मैं डायबिटिक हूँ और मैं ऑन बेड हूँ और मेरी इम्यूनिटी लगभग जीरो है, तो मेरे को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, क्या कौन वैक्सीन लगवा सकता हूँ मैं? बिस्तर पर हैं, चलते फिरते नहीं हैं, मधुमेह से परेशान हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन सी? बिल्कुल, इनको तो पहले जाकर वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कॉलर के क्वेश्चन पे भी कहा कि जिनमें भी कोमॉर्बिडिटीज है, किसी भी रीजन से इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोग सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी इनके नजदीकी सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल है वो जाकर लगवाएं। इसमें चूज एंड पिक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों वैक्सीन उतने इफेक्टिव और सेफ हैं, तो चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, जो भी अवेलेबल है वो आगे आकर लगवाएं, बहुत उनके स्वास्थ्य में बेसिकली एक जान बचाने में सहायता कर सकता है अगर ये इन्फेक्ट होते हैं तो। केशव जी जुड़ गए हैं देश की राजधानी दिल्ली से। केशव, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए केशव जी। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर के ना 6 ऑपरेशन हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तो वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं नहीं? जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो प्लास्टिक सर्जरी कहाँ की हुई है? अगर बाजुओं की हुई है जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे इंजेक्शन देना भी पॉसिबल नहीं होगा, और कहीं और किसी जगह पे अगर सर्जरी हुई है किसी और पार्ट में बॉडी के, ये प्लास्टिक सर्जरी, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगवाएं, ये आपके लिए सुरक्षित है। अगले कॉलर राम शंकर जी जुड़ गए हैं। राम शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्ते। सर ये ऐसा एक डबल डोज लगवाने का, दो डोज लगवाने के बाद क्या तीसरे डोज की भी जो है मतलब ये रिक्वायरमेंट होगी? बूस्टर डोज की क्या जरूरत आन पड़ेगी आने वाले समय में, ये जानना चाहते हैं? ये बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हमें थर्ड डोज की जरूरत पड़ेगी, जिसको कुछ लोग बूस्टर कहते हैं, कुछ इसका बेसिकली एक तरह से वैक्सीन का तीसरा डोज भी कहते हैं। तो बाहर के कंट्रीज में थर्ड डोज की बात हो रही है और कई लोगों को थर्ड डोज लेने की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे देश में जो एविडेंस है इससे रिलेटेड अभी ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली अभी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सभी लोगों को पहले वैक्सीनेट करा लें,
और प्लीज जो इनमें से जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो ज्यादा एट रिस्क हैं, उनमें हम थर्ड डोज के बारे में कंसिडर कर सकते हैं एंड जो एक्सपर्ट कमिटीज के बारे में डिलिब्रेट कर भी रही है। तो समय के साथ जैसे जैसे एविडेंस आएगा थर्ड डोज के बारे में डेफिनेटली डिसीजन लिया जाएगा। और अभी फिलहाल हमारा जो टारगेट है कि जल्दी से जल्दी सभी को दो डोज लगा दिए जाए ताकि सभी सुरक्षित हो पाए। मध्य प्रदेश के रीवा से वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोरोना, अभी जैसे त्योहार बहुत सारे आ रहे हैं और धीरे धीरे कोरोना की स्थिति अपने एमपी में, अभी जैसे हमने भोपाल है, इंदौर है, यहाँ पर बढ़ना चालू हो गए हैं, तो क्या सरकार आने वाले समय में लॉकडाउन लगाने की स्थिति में जाएगी? क्या मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लगेगा? डॉक्टर नीरज, लॉकडाउन का मतलब होता है कि आपको जबरदस्ती घर में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अगर हम सब खुद ये अपनी स्वेच्छा से अगर इन कोविड एप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें तो इस लॉकडाउन की नौबत ही नहीं आएगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है सभी से कि लॉकडाउन का इंतजार न करें कि भाई सिचुएशन खराब हो सरकार फिर से लॉकडाउन लगाए, इसमें सरकार का कहीं रोल आना भी नहीं चाहिए। ये हमारे जिंदगी से जुड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ठान लें कि भाई हमारे बिहेवियर के चलते कोई दूसरा इन्फेक्ट ना हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसा हम पालन करेंगे तो हम केसेस को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, थर्ड वेव नहीं आने देंगे और लॉकडाउन की नौबत नहीं आने देंगे। लेकिन लापरवाही की, जैसे हमने सेकेंड वेव में देखा, अगर वैसा सिचुएशन होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन की नौबत आ जाए। डॉक्टर नीरज, एक आंकड़ा कहता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज अब तक नहीं ली है, उनकी तय समय सीमा भी पार हो चुकी है। इनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज की डेट थी उससे 6 हफ्ते का भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ऐसा लगता है कि हमारी डेट तो बीत गई, बहुत लंबा समय गुजर गया, क्या वैक्सीन लेने का कोई फायदा होगा, दूसरी डोज ली जाए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल यही कहूंगा, जैसे फर्स्ट वेव के बाद जब केसेस कम हो गए थे, वैक्सीन उस समय लॉन्च हुआ था, तो लोगों के मन में ये सवाल थी कि भाई ये बीमारी तो चली गई, हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। फिर हमने देखा कि कितने भयानक रूप में ये बीमारी हमारे सामने दोबारा से आ गई। तो मैं कहूंगा ऐसे ही लोगों में ये कॉम्प्लेसेंसी आ रही है कि अब तो केसेस है नहीं तो मैं क्यों दूसरा डोज लगाऊं। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसी लापरवाही न करें। आपने अगर फर्स्ट डोज लिया है तो पॉसिबली आप जो सेकेंड डोज है जब आपका ड्यू डेट है उसके आसपास लेने की कोशिश करें, और इनकेस अगर आपने मिस भी कर दिया है तो जितनी जल्दी हो सके आप लगवाने की कोशिश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कितना समय बीत चुका है, 6 हफ्ते हुए हैं, 8 हफ्ते हुए हैं, 10 हफ्ते हुए हैं, लेकिन अगर सेकेंड डोज आपने नहीं लगवाया है तो वो लगवा लीजिए, क्योंकि नहीं लगवाने से नुकसान हो सकता है और थोड़ा डिले करके लगवाने से एटलीस्ट कुछ सुरक्षा आपको डेफिनेटली बेहतर मिलेगी। लेकिन सबसे निवेदन यही है कि समय सीमा में ही आप अपना सेकेंड डोज लें और इसको मिस न करें। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर नीरज बता रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन की डोज मिस कर दी है तो अब भी जाकर ले लीजिए, वैक्सीन बहुत जरूरी है कोरोना के खात्मे के लिए और संपूर्ण समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, टीकाकरण बेहद आवश्यक है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है AIR NSD Talks
newsonair@gmail.com। इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।